नमस्कार, आज हम पहुंचे लोगों के बीच जानने कि आज 25 अगस्त के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी क्या बाबा राम रहीम का प्रभाव यूं ही लोगों पर बना हुआ है या नहीं। जानते हैं कि आज क्या डेरा सच्चा सौदा के बारे में नए खुलासे होते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप राठौर इंसा है जी। कहाँ से आए आप? मैं बाबा हरिदास नगर टीकरी बॉर्डर दिल्ली 41 से आया। जो एक चर्चित चेहरा बना हुआ है डेरा सच्चा सौदा का, बाबा राम रहीम, जानते हैं? हाँ जी, ये तो कुल मालिक का अवतार है जी, इनको कौन नहीं जानता, इसको पूरी दुनिया जानती है जी। और ये तो मालिक का अवतार है और आने वाले समय में दुनिया देखेगी क्या चीज़ है ये तो दुनिया से मतलब ऐसी कोई आज तक हस्ती आई नहीं, पहली बार ये हस्ती आई है जी और इनको पूरी दुनिया देखेगी। इनको 134 मान्यता बुलाई के जो कार्य करे हैं, कोई आज तक ऐसा मतलब संत या कोई अवतार आया ही नहीं जिसने इतने कार्य किए हों। ये तो खुद मालिक का ही अवतार है, वही कर सकते हैं जी। आदमी के दिमाग में ये बातें ऐसे सेवा आ ही नहीं सकती जी, ये तो कुल मालिक का अवतार है, उन्हीं के ऊपर से जो है वो संदेश आता है, तभी आदमी कर की औकात ही नहीं ऐसे काम करे। तो आज जो बाबा राम रहीम के बारे में दिखाया जा रहा है वो कितना सच है? वो तो सब जी ऐसा मालिक की परीक्षा है, लोगों को नाप रहे हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ये तो खुद मालिक का अवतार है जी। और जिसको ऐसे काम करने रहेंगे वो यहाँ कर ही नहीं सकता, इतना पैसा होने के बाद तो विदेशों में करेगा जिसको गलत काम करने हैं। ये तो एक अवतार है, पब्लिक को उतारना है, इनका भला करने के लिए आए हुए जी। ये तो किस तरह के कार्य करते हैं बाबा राम रहीम? उनको तो जी सिर्फ एक ही चिंता है कि संसार में कैसे लोगों को पार उतारना है, इन जीवात्माओं को कैसे भला करना जो यहाँ बुराई के युग में फंसी हुई है, इनका पार उतारने के लिए आए हुए जी। वो तो आपने बताया कि गुरुजी 134 से ज्यादा मानवता भलाई कार्य चला रहे हैं, किस तरह के हैं ये कार्य? ये कार्य तो जी इंसानों के जीवात्माओं के भले के लिए चला रखे हैं जी, जो कि कैसे उनका भला हो, कैसे उनका पार उतारा हो। आज के टाइम में सगा भाई भाई को नहीं जानता जी, ना उनको मतलब उसकी कोई आपस में पूछता जी। तो इन्होंने मानवता को जिंदा करने के लिए जो है सारी चीज चलाई है जी, मानवता के जितने भी अभियान चलाए हैं सभी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और आदमी को आदमी तक जो है बना रहे और परमात्मा तक पहुंचे, इसलिए जो है इन्होंने सारे अभियान चलाए हैं जी। जी, आपका जीवन किस तरह बदला है गुरु जी ने? मेरा तो जी सारा ही जीवन चेंज किया जी। सबसे पहले तो जी हमारे अंदर बहुत ही अवगुण थे, पता नहीं क्या क्या करते थे जी, कोई समझ ही नहीं थी, जो मन में आता था वही करते थे। लेकिन इनसे जुड़ने के बाद तो जिंदगी सारी चेंज होगी जी। अपने भाई जो है सर्विस पे लग गए, मैं भी सर्विस पे लग गया जी, कोई तरह की कमी नहीं है, आज बल्ले बल्ले कर रखी है मालिक की कृपा से जी। तो आज बाबा राम रहीम हमने सुना है एक परिंदे से लेके एक इंसान तक की देखरेख करते हैं, महिलाओं के लिए क्या किया बाबा राम रहीम? सारा कुछ महिलाओं के लिए कर रखा जी। आज मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जितने हमारे देश के एमएलए मंत्री जितने भी नेता हैं, ये सारी शिक्षा अपने गुरुजी की ही ली हुई है। क्यों? क्योंकि सारे पहले जितने भी अभियान चलाते थे, अच्छे कार्य करते, सब टीवी पे आते थे और आज जो कार्य हो रहे हैं सब उन्होंने पहले करके जो है ये अब वो जो है अगले अभियान पे चले गए, तो वही सब उनकी मतलब उसकी शिक्षा लेके सब ये चल रहे हैं अपने देश में जी। एक गुरु होकर उन्हें फिल्म बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है जी, गुरु होकर इसलिए जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि पब्लिक जो है जी आज के जो बच्चे थे वो सत्संग में थोड़ा सा उनका ये हो गया था कि भाई ये पुराने समय के बुजुर्ग आदमियों के लिए है, तो नए जो हमारी पीढ़ी है उनको समझाने के लिए उन्होंने फिल्म का रास्ता चुना। और फिल्म का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी कभी भी देख के उसका ज्ञान ले सकता है, कहीं भी दिखा सकता है। अब बाबा जी हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, छोटे बच्चे बड़े तक, फिल्म एक ऐसी चीज है जो हम कहीं भी किसी भी 10 आदमी को 1 आदमी को भी दिखा के उसको ज्ञान दिलवा सकते हैं। आज बाबा जी समाज में एक्टिव नहीं है, इनके बाद भी क्या वो सब मानवता भलाई कार्य यूं ही हो रहे हैं? ऐसा है जी, वैसे तो यूं हो रहे हैं लेकिन उनके भी उनकी कमी तो खलेगी खलेगी जी, क्योंकि एक तो संत डायरेक्ट होके करें और एक बच्चे करें, फर्क है जी। एक तो बाप करता है कार्य, एक पिता करता है, तो उसमें दिन रात का फर्क है जी। लेकिन उनका तो उनका ही, उनकी तो रिस्क कोई नहीं कर सकता जी। हाँ, आज ऐसे गुरु की समाज को कितनी जरूरत है? समझ को जरूरत क्या है जी, उनके बिना तो संसार में इतना मैं डेली देख रहा हूँ टीवी में अत्याचार, मारो मारी, दंगे, सरेआम उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं जी, बिल्कुल बेचैन निकालो मैं और मन जो है इतना, और दुनियादारी का जो इतना क्लेश बढ़ गया पहले से बहुत ज्यादा जी।